तो देखिए, मेरा नाम प्रमोद और आज के दिन हम बात करेंगे HFCL की। 1.5% की उछाल या 0.50% की उछाल कह सकते हैं, वो किस कारण आई है, वो एक बहुत ही मेन कारण है, वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और साथ ही में देखे जाएगा तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रखी है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। और अगर हम स्टॉक को अच्छे से देखा जाए तो आपको अच्छी खासी ओपनिंग मिल देखने को मिलेगी। अगर न्यूज़ बेसिस पे जाके देखें तो आप देख सकते हैं HFCL शेयर प्राइस राइज ऑन फंड रेजिंग। तो फंड रेजिंग होने वाली है स्टॉक के ऊपर, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है फंड रेजिंग प्लान। तो अगर आप देखेंगे HFCL शेयर रोज मोर देन 1% इन अर्ली ट्रेड ऑन 31 अगस्त आफ्टर सेंड कंपनी सैड इट कंसिडर्ड फंड रेजिंग प्रपोजल ऑन September 3। तो आप डेट नोट कर लीजिए, September 3 को बहुत ही ज़्यादा वो होने वाला है धमाका स्टॉक के अंदर। द बोर्ड में कंसिडर्ड फंड रेजिंग बाय अ वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्रीफ्रेंस शेयर बॉन्ड्स डेबेंचर नॉन कन्वेचेबल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स इक्विटी शेयर्स वॉरेंट्स एंड अदर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग थ्रू प्रिफ्रेंशियल इशू ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट राइट इशू एंड एनी मदर अदर मैथड फॉर कॉम्बिनेशन थेरप। तो देखा जाए तो हर जगह से फंड रेजिंग करने की कोशिश कर सकती है कंपनी। अभी वो 3 सितंबर को फिक्स होगा। बात करें उससे बाद ग्रोथ देखने को मिल चुकी है पिछले 5 दिन में 5% जैसी ग्रोथ, महीने भर में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन जो गिरावट पहले 22% हुआ करती थी वो बिल्कुल ही घट के देख सकते हैं 18% जैसा उछाल आ चुका है। और अब आगे भी बढ़िया आएगा, 6 महीने में तो रिटर्न देख के आप बहुत ही खुश हो रहे होंगे। 1 साल के बढ़िया रिटर्न है, 3, 4, 4, 5 साल के ओवरऑल देखा जाए वो भी इतने ही है, और मैक्स के बढ़िया। तो स्टॉक ने कभी कमी नहीं देने की कोशिश की, हर टाइम एक बढ़िया से बढ़िया रिटर्न देने की कोशिश की है। साथ में इस कंपनी को मैं मानता हूँ इसके रिटर्न्स की वजह से, हम फंडामेंटल रिटर्न्स की वजह से देखा जाए कंपनी कितनी पुरानी है, 1987 की, एम्प्लॉय भी बहुत है, साथ में सब्सिडीज भी बहुत अच्छी अच्छी है। देखा जाए सितंबर वाला क्वार्टर भी अच्छा था, दिसंबर वाला उससे बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा, और मार्च वाला उससे भी बहुत अच्छा, और अगर जून वाला देखे तो वो बहुत बेटर परफॉर्मेंस रहा। मतलब हर एक क्वार्टर में एक नई उछाल देखने को ऊँचाई मिलती है। तो आज का वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।